बस में जाना, बस में आना। इतनी गरीबी देखी जिंदगी में कि माँ हमारी खाली चावल उबाल के कांदा फोड़ के दे देती थी खाने के लिए। इधर कारवा सामने के थिएटर में वॉमिट हुआ, दोनों पिक्चर झुकली, दोनों में काफी प्रशंसा मिली पर मुझे काम नहीं मिला। देयर वर रूमर्स आई हैव मैरिड महमूद। बड़ी खबर आई कहां से? बिकॉज वी डिड लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर। अट्रैक्शन था? या वी वर मोर देन फ्रेंड्स। राज कपूर जी के साथ काम किया, उनके साथ काम करना वॉज माई प्राइड टू वर्क विद। सेट पे उनकी वाइफ बच्चों को लेके आती थी तो कैसे नहीं पहचान। उनका डिसीशन बहुत डिफिकल्ट था। ही गोज बैक होम, ही हैज अ वाइफ टू आंसर, है ना? कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता। ऑडियंस नोज कौन। अरुणा ईरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नेटवर्क पर, इस लेजेंड शो पर। और सच मानो तो मैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से आपसे मिलने की तमन्ना थी और आज पूरी हुई है। आई एम जेन्युइनली लकी, आई रिपीट टू माई प्लेजर आल्सो सिटिंग ऑपोजिट यू। एंड लेट्स स्टार्ट विद माय आस्किंग यू, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, 63 years। एंड आई नो, आई थिंक 61 was Ganga Jamna. No, it's see, I'm 78 today. 9 when I joined. मैंने काम शुरू किया 9 साल की उम्र में। तो 69. तो 69 से 9 काट दो। My God. Who will believe that you are 78? People looking at you right now, I'm sure they don't believe. Thank God. You're looking so pretty. Oh, thank you. And so fit. Thank you, ji. I want to tell you something, ji. A secret about you which I know. Mm-hmm. And I think to maintain this fitness, you used to eat very less and used to say earlier, yeah, कि मैं एक अजीज की कसम खा लेती हूँ जो नियर एंड डियर वन है, और मैं इस कसम के बाद ये चीज़ें नहीं खाऊंगी। हाँ, बट वो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग डांसिंग एंड ऑल दैट। तो इतना ड्रेसेस होता था, ओपन ड्रेस, तो बेली फ्लैट लगनी चाहिए, आप फैट नहीं लगनी चाहिए। उससे बहुत डाइटिंग वाले फूड उस वक्त खाते थे, और हफ्ते में तो वैसे ही मेरे 4 दिन उपवास होता था, सोम मंगल होता था और शनिचर होता था, 3 दिन उपवास, टोटल नथिंग, मतलब सारा दिन उपवास, एक रात में खाना सनसेट के बाद खाती थी। तो वैसे ही चलता था, तो अपने आप डाइटिंग हो जाती थी। हमारे ज़माने में तो कोई जिम विम था नहीं, बिल्कुल नहीं था, तो एक्सरसाइज घर पे ही करती थी, योगा करती थी। मैं जहाँ रहती थी नेपेंसी रोड में, वहाँ पे उसी बिल्डिंग में योगा क्लासेस थे, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था। सुबह उतरो, उठो, चाय वाय पियो, ब्रश करो एंड कम हियर, और एक्सरसाइज करो। आई यूज टू डू एक्सरसाइज, फिर वॉक्स करती थी, फिर हर शूट में तो डांसिंग, तो नाच नाच के कितनी कैलोरीज जाती है। मैं पहले 7 to 2, 2 to 10 दो शिफ्ट करती थी, तो दोनों शिफ्टों में मुझे डांस होता था। तो आप सोचे इतने आवर्स ऑफ डांसिंग, तो जाहिर है ना, अपने आप आदमी फिट रहता था, मुझे कोई जाने की जरूरत ही नहीं थी कहीं। और अभी भी आप उतने ही फिटनेस कॉन्शियस हैं? हाँ, अभी है, बट अभी उतना तो नहीं करते हम डांसिंग वांसिंग एंड ऑल दैट, बट डेफिनेटली वी गो फॉर दिस वॉक्स। सुबह और शाम को वॉक के लिए जाती हूँ, और योगा, वही प्राणायाम कर लेते हैं, तो दैट हेल्प्स। What has been the most beautiful part of your journey? I stand corrected, 69 years. Meri life ki journey bahut achhi rahi. Matlab roller coaster bilkul raha. We come from a very poor family. Bahut gareeb family se hain hum log, aur hum 8 bhai behan the. Daddy thode bimar rehte the. Thoda bahut humko bhi kaam idhar
प्लेज वगैरह में मिल जाता था। हफ्ते में 2 शो होते थे, 50 रुपये दिन का मिलता था, दैट इज़ विद द कन्वेंस एंड एवरीथिंग, 50 रुपीज़ पर शो मिलता था, 100 रुपये हफ्ते के हम वो कमा लेते थे। तो हमारे खर्चे भी नहीं होते थे ना, बस में जाना बस में आना, तो कोई एक्सपेंसेस नहीं, घर में दाल चावल के सिवा कुछ बनता ही नहीं था, तो वही सबके लिए होता था। तो मतलब खर्चे भी कोई ऐसे नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन बाबू भाई मिस्त्री डायरेक्टर आए हमारे शो पे, गुजराती था शो, तो वो देखने आए, वो भी गुजराती हैं। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि इंटरवल में ही केम बैक स्टेज पर आए, सबने नमस्ते नमस्ते, हमने भी पैरी पहना कर लिया। तो उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है, मुझे पूछा। तो माई फादर वॉज स्टैंडिंग, माई डॉटर। बोला अच्छा, अच्छा काम करती है, अच्छा बताओ तुम फिल्म में काम करोगी? ऐसा होके अपने एक्सप्रेशन मैंने संभाल लिए, बिकॉज थोड़ा ओवर हो गया था मेरे लिए। इट वॉज अ ड्रीम कि कोई मुझे फिल्म में, हम ड्रामा में काम करते थे, लेकिन फिल्म कैसे मिले, वहाँ कैसे जाएं, तो उन्होंने ही ऑफर कर दिया। ख्वाहिश थी लेकिन हाँ, बाबू भाई मिस्त्री, तो दैट्स हाउ आई जॉइन। बचपन में जो मैंने बचपन के रोल्स किए थे, अनपढ़ और तलाक एंड गंगा जमुना, वो तो सब बड़े हो गए, आप उसके बाद आप कहाँ जाओ, कहाँ काम मांगने जाओ, तो कहीं काम तो था नहीं, तो ये आए देखने के लिए। दिस इज हाउ अगेन आई जॉइन द इंडस्ट्री। आई रिमेंबर बॉम्बे टू गोवा, जी हाँ, दैट्स वेन आई स्टार्टेड सीइंग फिल्म्स इन दोज डेज हाँ जी, एंड यू वर द हीरोइन। उसके बाद आपने ट्रैक चेंज किया। मैंने ट्रैक नहीं किया, ऊपर वाले ने कर दिया, बिकॉज देर वॉज आफ्टर दैट कारवां मेरी लगी, मतलब इधर कारवां और ये सामने के थिएटर में बॉम्बे टू गोवा, दोनों पिक्चर जुबली और दोनों में काफ़ी प्रशंसा मिली, पर मुझे काम नहीं मिला। सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि देर वर र्यूमर्स के आई हैव मैरिड महमूद, ऐसी कोई बात थी नहीं, पर हमने भी तो बेवकूफ़ ने उसको क्लियर नहीं किया, उसको मीडिया को बुलाते बात करते कि देखिए दिस इज़ ऑल बकवास, कोई ऐसी भी आ, वी वर फ्रेंड्स बट नथिंग एल्स। देन उसकी वजह से ये मेरा पूरा मेरा रास्ता बदल गया। देन अगेन आई वॉज सिटिंग एट होम, दो पिक्चर मेरी एक साथ में लगी, दोनों जुबली, एंड देर वॉज नो वर्क फॉर मी, कोई काम नहीं था मेरे पास। तो अभी बैठे बैठे क्या करो आप, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। एक फिल्म आई मेरे पास, मराठी फिल्म आंधड़ा मार तो डोड़ा, दैट वॉज एक लावणी थी दादा कुनके जी की, तो उसमें मैंने एक डांस किया 2,500 रुपये में, बिकॉज मनी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। 2-2.5 साल मेरे पास काम नहीं था, घर चलाना, मेरे ब्रदर्स सब पढ़ रहे थे कोई स्कूल में कोई कॉलेज में, तो पैसा तो चाहिए था। वो 2,500 तो वॉज लाइक आफ्टर 2-3 ईयर्स इट वॉज लाइक वाव, कितना पैसा कमा लिया हमने। तो वो लिया और वो गाना किया। अब देखो स्टूडियो में अगर आप नजर आओगे तो डेफिनेटली काम मिलेगा, अब बगैर काम के तो आप स्टूडियो जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता ना। तो 2 दिन का गाना था और वहाँ शूटिंग चल रही थी राजकुमार कोहली जी की, तो उन्होंने, ए अरुणा तो काम कर रही है? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय काम कर रही है, क्यों ऐसा पूछा आपने? बोले नहीं, हमने तो सुना था तूने शादी कर ली। मैंने कहा यार कमाल है, और दुनिया भी शादी करके होती है, एक बार फोन करके पूछ लेते आप। बोले देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी, टेलिंग एवरीबडी माउथ टू माउथ के नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो टू अरुणा, उनकी अपनी पिक्चर बनी, उसमें मुझे उन्होंने रोल दिया, एंड दैट्स हाउ अगेन स्टार्टेड। फिर भी फुल फ्लेज में स्टार्ट नहीं हुआ था। एक दिन अचानक राज कपूर साहब का फोन आया कि अरुणा, राज कपूर बोल रहा हूँ मैं, नमस्ते सर, नमस्ते, अच्छा क्या कर रहे हो आज? मैंने कहा कुछ नहीं सर, तो तुम आर के आके मिल सकती हो मुझे? मैंने कहा हाँ जी, दोपहर में 3:30-4 बजे। मैंने कहा ठीक, मैं पहुंच गई और उन्होंने वो रोल सुनाया मुझे, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट बॉबी। बॉबी के बाद वापस गाड़ी चल पड़ी,
एंड देन अगेन जिंदगी में काम मिलने लग गया, काम मिलने लग गया. देन केम अ स्टेज जब आप ना जवान हैं ना बूढ़े हैं. वो बहुत अजीब सी स्टेज होती है लाइफ की, बिकॉज आप बड़े हो चुके होते हैं. तो यंग तो यू लुक नो मोर, ओल्ड भी आप नहीं लगते बिकॉज ऑफ माई फिजिक एंड ऑल. मैं कभी नहीं लगी, तो इट डिडंट हैपन. फिर क्या करें, फिर मैंने जो भी काम मिला करना शुरू कर दिया. देन केम अ फेज ऑफ गुजराती फिल्म्स, एंड गुजराती फिल्म्स में लीड के रोल्स मिले मुझे. एंड गुजराती फिल्म्स क्या होते थे, जो भी अमित जी की फिल्म सुपरहिट होती थी उसी को राइटर वुमेन ओरिएंटेड कर देता था. मतलब सो मैनी फाइट, सो मैनी सॉन्ग्स, वो सब हीरोइन के होते थे. एंड दैट, और वो पिक्चरें खूब चली. तो दैट वॉज अ गुड फेज ऑफ लाइफ. आई गॉट अगेन एंड अगेन आई केम बैक हियर एज अ मदर अगेन एंड स्टार्टेड डूइंग मदर्स रोल. We'll come back to those films in that journey, but you said that the industry started believing कि आपकी शादी हो चुकी है हाँ और आपने क्लैरिफाई नहीं किया, नहीं क्या, आई वॉज और वेरी स्टूपिड. महमूद साहब ने भी नहीं किया कहीं, नहीं आप लोग ने आपस में बात की कि नहीं मैंने कब उतनी ये नहीं थी ना कि भाई ऐसा लोग बात कर रहे हैं वैसा लोग. आई नेवर सेड दैट और ही नेवर मेंशनड इट. बट फिर भी वो बात वैसे की वैसी रह गई. और ना हम में अक्ल थी कि हमको लगे कि भाई ये ऐसा होना चाहिए. वी डिडंट, बड़ी खबर आई कहाँ से उन दिनों, पता क्या नहीं, आपका कोई थोड़ा बिकॉज बहुत वी डिड अट्रैक्शन, लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर. अट्रैक्शन था? नहीं, नाउ वी वर मोर देन फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे. बट वी डिड लॉट ऑफ फिल्म्स. उस वक्त मुमताज ने शादी कर ली थी, नो सॉरी, मुमताज हीरोइन बन गई थी और शोभा खोटे ने शादी कर ली थी. देर वॉज नो गर्ल इन फ्रंट ऑफ हिम. सो अभी उन्होंने कुछ लड़कियाँ सिलेक्ट की, हमको भी बुलाया, तो आई वॉज सिलेक्टेड टू वर्क ऑपोजिट हिम. फिर वो क्या होता ना, एक आपको ट्यूनिंग होते टाइम लगता है. कॉमेडी जो है ना बहुत डिफिकल्ट है फॉर टू वर्क. मतलब टाइमिंग अगर आपको नहीं आती ना तो आप कॉमेडी कभी नहीं कर सकते. तो दैट्स हाउ आई लर्न फ्रॉम हिम. ही वॉज माई गुरु. महमूद साहब वॉज माई गुरु फॉर, मुझे सिखाया उन्होंने कि कभी भी टाइमिंग क्या होती है. अब आप सोचेंगे टाइमिंग मुझे इसकी कैसी होती है मालूम नहीं. अब जैसे एक्शन रिएक्शन, अब आपने हाथ उठाया और मैंने ये किया तो ये नहीं करूँगी तो आपका पंच नहीं रहेगा. जैसे कि कुछ भी आपने डायलॉग मारा, आपका डायलॉग जो है वो लाफ्टर वाला डायलॉग है, तो अब अगर मैंने डायलॉग कुछ और बोल दिया तो वो तो हंसी में निकल जाएगा. पीपल विल नॉट बी एबल टू हियर. वेट, तो फिर मैं बोली वेट वेट, रिएक्ट, वो टाइम खा जाओ रिएक्शन में. जब मैंने बोला देखो, देन यू नो यू गेट दैट स्ट्रेच ऑफ टाइम, तो वो हो जाता है. तो दैट हेल्प्स. दैट इज हाउ, हमको कोई टीचर तो थी नहीं, इंस्टीट्यूट तो हम गए नहीं थे. दैट्स हाउ ही टीच्ड मी कि इस तरह कॉमेडी की टाइमिंग होती है. देन व्हाट हैपेंड, रूमर्स तो थे कि दे आर मोर देन फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. बट उसके बाद उन्होंने जो पिक्चर बनाई, जो बॉम्बे टू गोवा, ही टुक मी हीरोइन. दो थे उसमें प्रोड्यूसर्स, NCCP एंड महमूद साहब, दे बोथ वर द प्रोड्यूसर्स. जब वो दोनों प्रोड्यूसर थे तो उनको लगा कि भाई कुछ तो है, अदरवाइज अरुणा को हीरोइन ले लिया उन्होंने. होता है ना, एक 1+1 हो जाता है, हो गया. बट इस दौरान ऐसे भी सुनने में आया था कि महमूद साहब इंडस्ट्री में कह रहे थे कि अरुणा डजंट वांट टू वर्क. नो 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 नो, तब तक वो जो र्यूमर्स थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि हिज वाइफ डिडंट वॉन्ट, नो यू आर नॉट वर्किंग विथ हर. अच्छा, शी पुट डाउन हर फुट. या शी पुट डाउन कि नहीं, सॉरी, नो यू वर्क विथ एनीबडी, नॉट विथ अरुणा. कोई भी फिल्म, अभी मैं वहाँ नहीं हूँ तो कम से कम अपन यहाँ काम करें. ही सेड नो, बिकॉज ऐसा ऐसा है, बहुत झगड़े होते हैं, तो वी डू नॉट वॉन्ट टू. ओके, फिर बट तो उससे कुछ आपको नहीं कर फर्क सकते. पड़ा होगा क्योंकि एक पेयरिंग हो फर्क पड़ जाती गया, है. बट प्रभु ने रास्ता निकाल दिया था, हो गया. लेट्स गो टू बॉबी. आई जस्ट कांट फॉरगेट दैट डांस. मैं मैं शायर तो शायर नहीं, तो नहीं, शायर तो नहीं, मैं डांस से ज्यादा वो ड्रेस था. द ड्रेस वॉज सो नाइस
अनसेक्सी ड्रेस कि किसी की भी नज़र जाए। आज भी लोग वो बैकलेस को याद करते हैं। किसने डिजाइन? मनी रबाड़ी ने, मनी रबाड़ी, शी इज नो मोर, बट उन्होंने किया था वो। बट दोज मूवमेंट्स आल्सो व्हिच यू या बिकॉज ड्रेस सॉन्ग एंड वॉल्स म्यूजिक ऑल थ्री मैच द मोमेंट्स। तीनों चीज जो है वो मिलके एक बन गई थी, तो इट वॉज वेरी नाइस। आई डोंट थिंक एनीबडी विल फॉरगेट। मुझे तो लगता था इतना सिंपल डांस है, इतना सिंपल डांस है, कैसे लगेगा, बट इट लुक्ड वेरी नाइस। मतलब कोई एक बैले डांसर थी, उन्होंने कंपोज किया था। बाकी कैमरा तो ऑफकोर्स राजी ही संभालते थे। आपके डांसर्स जीतू जी के साथ भी बहुत फेमस थे। हाँ जी, जितेंद्र जी के साथ बहुत फेमस थे। उनके साथ आपकी एक केमिस्ट्री थी। हाँ नहीं, पहला डांस ही मैंने उनके साथ किया था। वी हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, फर्स्ट पिक्चर आई थी जो बहुत चली थी जीतू जी की, तो उस फिल्म में एक डांस था, तो ऊटी में था डांस, गाना था ना कुकू, दैट सॉन्ग मस्त बहारों का। मैंने जीतू जी के साथ बहुत काम किया, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनी। बट आपके लिए तो बाद में गाने लिखे जाने लगे literally. पता नहीं, हो सकता है, हमने उस वक्त ये सब नहीं सोचा कि लिखे गए या लिखे जाएंगे, जो आता गया हम अपना काम करते रहे बस। इफ आई आस्क यू टू सिलेक्ट वन फिल्म, आपकी इतनी सारी फिल्में हैं, आप किस में हाथ रखेंगे? कहे सिलेक्ट फॉर व्हाट? एक फॉर बेस्ट व्हिच गिव यू द मोस्ट सेटिस्फैक्शन, व्हिच इज योर नंबर वन फिल्म? नो, आई कांट से दैट। व्हाई? बिकॉज आई थिंक दैट इज अप टू माय व्यूअर्स, माय फैंस टू डिसाइड व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। एक फिल्म आई थी संजोग, संकोच, संकोच जीतू जी, जीतू जी वाली फिल्म। उस फिल्म में एक रोल था जो सिर्फ 3 दिन का था, और अनिल गांगुली जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उन्होंने बोला अरुणा नहीं करने का यार, ऐसा नहीं, मैंने कहा इसमें कुछ है ही नहीं अनिल जी, नहीं मैंने बोला है ना बस करना है, चलो ठीक है। आई डिड दैट रोल और वो इतना पॉपुलर हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया। सबसे पहली बार स्क्रीन पे वो लैंग्वेज मैं लेकर आई थी, जो एक थी ना, क्या कहते हो, अच्छा ऐसा नहीं करने का, देखो मैंने बोल दिया है, होल में बैठ के तुम खेल सकते हो, बाहर नहीं आ सकते। वो एक टिपिकल लैंग्वेज, गुजराती लोग जो हिंदी बोलते थे ना, दैट वॉज फर्स्ट टाइम आई डिड ऑन द स्क्रीन इन संकोच। I can't forget you in Kurbani. Oh yes, Kurbani was a role, very nice role, and बहुत उसमें क्या मुझे lenses पहनने पड़ते थे, और उस जमाने में lenses were not soft as अभी मिलते हैं, ऐसे plastic के lens होते थे, बहुत difficult होता था। मतलब मेरे को इतना डर लगता था कि I can't tell you, वो पहनने के बाद पानी पानी इतना आता था कि I couldn't keep my eyes steady. बट खान साहब, फिरोज खान साहब चाहते थे कि देखो तो बस एक लुक, ये हटानी नहीं है। मैंने कहा कितना स्टैटिक लग रहा है, पर अब डायरेक्टर है, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट लेट मी हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिज विजन, कि उन्होंने जो लुक रखी ना, उसने कैरेक्टर बनाया। मतलब एक औरत जो नजर हटा के कभी बात भी किसी से भी, किसी मर्द से भी बात करती, वो भी बात कर रहा है तो उसको कॉन्स्टेंट देख रही है, तो वो लुक जो है वो हेल्प कर गई। ये एक उसी दौरान एक दौर आया था जहां कहा जाता था कि वैम्प, वैम्प हाँ, ये वर्ड यूज किया जाने लगा। बिल्कुल, आज वो वर्ड नहीं यूज करते, आज तो बोलते हैं तो हीरोइन कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, हीरोइन भी वैम्प का रोल कर लेती है। तो उस दौरान हेलेन जी भी थी, बिंदु जी, उस जमाने में हम लोग ही थे ना, हेलेन जी, मैं, बिंदु जी, पद्मा खन्ना, हम लोग सब। आप लोग का रैपो कैसे था एक दूसरे के साथ? बहुत अच्छा था, हम लोग आपस में, मतलब एक तो क्या था, अगर मुझे लेते थे तो बिंदु को नहीं लेते थे, बिंदु को लेते थे तो मुझे, क्योंकि सेम कैरेक्टर दो थोड़ी होंगे,
एक ही होगी ना फिल्म में वैम, दो तो हो नहीं सकते। तो हमारा आपस में सबके साथ बहुत अच्छा था। नो हेल कॉम्पिटिशन, नो वो जमाने राइवलरी. में नहीं, अंदर अंदर सबके होती थी, पर कोई वर्बली नहीं करे। दे वर वेरी गुड टू ईच अदर। ऐसा कभी हुआ कि ये रोल आपका था और जी हेलन जी को मिल गया या बिंदु जी को मिल गया या उल्टा? नहीं, आई थिंक दैट वॉज अप टू माई डायरेक्टर टू डिसाइड कि वो ये रोल कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि हेलन जी ने मेरा रोल छीन लिया या किसी और ने, या मैंने किसी का छीन लिया हो। नहीं, जो डायरेक्टर डिसाइड करते थे वो क्योंकि होता इंडस्ट्री था। में लॉबिंग तो बहुत होती है. वो सब अंदर अंदर क्या चलता था, मैंने कहा ना, उन सब चीजों में कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। बेमिसाल, अनदर अनफॉरगेटेबल या रोल. दैट वॉज ऑल्सो गुड रोल। हमेशा अपना ये जो है, अपने ऋषिदा ऋषिकेश मुखर्जी, वो हमेशा मुझे बहुत लाइक करते थे। उनकी फिल्म में कोई ना कोई रोल तो मुझे देते ही थे। ये रोल भी उन्होंने, ओरू ये रोल अच्छा है, बहुत लंबा नहीं है, पर इट्स अ वेरी गुड रोल। इन मिली ऑल्सो ही गेव मी अ वेरी स्मॉल रोल, बट दैट वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। That scene I can't forget between you and Amitabh Bachchan. Yeah, Very comments on your dress. you look like an actress more. Said, oh, thank you. That Okay, let's go to Dil To Pagal Hai. was also a very cute role, you can say. है ना? It was a cute role. Very cute. And you had all the scenes with Madhuri Dixit. हाँ जी, उनके साथ थे। Who do you think dance better in Dil To Pagal Hai, Madhuri or Karishma? पिक्चर तो ट्रूश देखी होगी. नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं चलेगा, कंट्रोवर्सी नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता। वो ऑडियंस नोज कौन, फिर बोलना ठीक नहीं। रॉकी, संजय दत्त डेब्यू फिल्म, रॉकी, उसमें भी थे ना. हाँ उसकी पहली फिल्म थी, संजू बाबा की पहली फिल्म थी वो। वो दैट कैसे वन रहा एक्सपीरियंस सुनील दत्त साहब के साथ? अच्छा रहा। मुझे करना नहीं था माँ का रोल इतना जल्दी, बिकॉज आई वॉज हार्डली इन माई 30s। एंड पर दत्त साहब वॉज वेरी एडमेंट, पता नहीं क्यों। बट यू एंजॉयड बेटा हाँ बिकॉज टाइम हैड पास्ड टिल देन. आई एंजॉयड बेटा, इट वॉज अ वेरी गुड रोल। बहुत बैक रोल था, बहुत अच्छा था। उससे अच्छा एक और भी था, राजा बेटा वॉज अ वेरी गुड रोल। इट हैड सो मेनी कलर्स इन वन रोल। अरुणा जी, अनोखी रात, दैट वाज अ लैंडमार्क इन योर करियर. भैया मेरी शुरू शुरू की फिल्म थी वो, एंड बहुत डिफिकल्ट था। मुझे डांस आता भी नहीं था, उसमें एक डांस भी था, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। इट वॉज अ वेरी गुड रोल एंड वेरी इमोशनल रोल। लाइक उसे लगता है कि वो अगर सैक्रिफाइस करेगी तो इतनी जो अनाथ लड़कियां हैं उन सब का भला हो जाएगा, उन सबको रोज खाना पीना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रहने की जगह मिलेगी, बिकॉज दैट पर्सन विल डोनेट दिस मच ऑफ मनी इफ आई गेट मैरिड टू हिम। तो शादी कर लेती है वो, पर वही ना कि जो आदमी नहीं करना चाहता जिंदगी में। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइस इज नेवर बैड, होता है। एक इंसान की सेक्रीफाइस से अगर कुछ लोग तैर जाते हैं तो नथिंग रॉन्ग इन इट। पर ये इमोशंस और उस इमोशंस के लिए बलि देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो सोचे कि मैं क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस करूं और मैं क्यों दूसरों की खुशी के लिए ये करूं। अगर ऐसा है तो फिर यू कैन नेवर सेक्रीफाइस। चरस, चरस, चरस वॉज अ गुड फिल्म। एक बार क्या हुआ, होली चल रही थी, चरस फिल्म का गाना था नेक्स्ट डे फ्रॉम माई होली ना, तो शूटिंग थी उनकी और वो गाने की शूटिंग थी। ये धुआं मेहरबान चरस का नहीं है, वेर आई हैड टू बी लिटिल चर्सी एंड ऑल दैट। तो मैं सोचती थी कैसे होगा, पता नहीं। अब अगले दिन होली और नेक्स्ट डे शूटिंग, तो वहाँ गई तो सब लोगों ने, पता नहीं, अभी आपको जब भांग पिलाते हैं वो लोग तो आपको नहीं पता होता इस ग्लास में है क्या। अरे नहीं, ये तो सब पी रहे हैं, सब पी, अपन भी पी लिए। और जो दोपहर के बाद मीठा खाने लगी,
उसके बाद और चढ़ गई, और जो मैं पागलों की तरह हंस रही थी, पता नहीं क्या, सब घर के दरवाजे बंद कर दिए, ये पगला गई है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे भी कि मैं करूं क्या। अब सुबह शूटिंग पे जाना है, तो मम्मी ने बोले बटर खिलाओ, बटर खिलाया। फिर बोले अभी एक काम करते हैं, तू सर से नहा ले ठंडे पानी से, तो उतर काफी जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा उतर गई। गाड़ी में बैठी, जैसे हवा चली, फिर से हवा चली, मैं भी बेहोश होने लग गई। वहां उतरी, उस ड्राइवर ने दरवाजा खोला, मैं दरवाजा देखूं उसको देखूं, दरवाजा देखूं उसको देखूं, मतलब उतरू नहीं। तो मेरे साथ मेरे अरुणा, चलना उतरना, तो वहां उतरी। उतर के बहुत संभल संभल के मेकअप रूम में पहुंची, मेकअप भी नहीं किया, टॉवल नीचे डाला और सो गए। सो गए मतलब नींद आती है बहुत, तो लेट गई। उसके बाद सुरेश आया, डांस मास्टर हमारा, He was the best. ही वॉज द अल्टीमेट। वो एक प्लास्टिक की गुड़िया को भी नचाना जानते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे यार तू डर मत, मैं संभाल लूंगा, तू बस मेकअप करके जरा नीचे आ जा, चल। मैं मेकअप वेकअप करके ड्रेस वेस पहन के पहुंच गई, पहुंच गई ऐसी बड़ी बड़ी आंखें खोल के, कि मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं आई एम टून, तो ऐसी बड़ी बड़ी। पर अजीब सा नशा है, हाँ ऐसे ही रहता आदमी, पता नहीं। तो बोले चल तू आ जा नीचे, शॉर्ट वॉट दिया, सेट पे ही टॉवल बिछा और सो गई। बिकॉज चढ़ती है वो बहुत, और उसके बाद से कसम खा ली, एक दिन भी नहीं पिया, कभी नहीं पिया, बिकॉज इट्स अ वेरी बैड नशा, बहुत बैड होता है। ऐसा हाथ भी ऐसा ही हो जाता है, यू डोंट वॉन्ट टू, भूख लगती रहती है और मीठा खाने का मन करता है, मीठा खाते हैं तो और चढ़ती है। ये 2 दिन तक ये चला, 2 दिन तक वो गाना चला, सबको लगा कि मैं एक्ट कर रही हूँ, बट दैट हेल्प मी। मनोज कुमार से रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान का क्या, कुछ नहीं। यू हैड अ गुड रोल इन इट। No, मेरा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, क्या था, पंडित जी मेरे मरने के बाद, वो बहुत पॉपुलर हुआ था गाना, बाकी रोल को इतना नहीं था। मनोज जी मुझे अपनी हर फिल्म में लेते थे, फेवरेट। उपकार से शुरू किया था उन्होंने। तो विच ऑफ मनोज जी मूवीज यू एंजॉयड द मोस्ट एज द रोल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रोल? आई डोंट रिमेम्बर मनोज जी की, मनोज जी की देखो ऑफकोर्स रोटी कपड़ा मकान ज़्यादा, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान में क्या था कि रोल, गाना बहुत अच्छा था, और एक गाने की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी कि पूछो मत। इसीलिए मैंने पूछा हुआ आपको। हाँ बहुत अच्छा रोल था। बहुत अच्छा था, हाँ, या सैक्रिफाइसिंग रोल था। आई एम जस्ट शिफ्टिंग ट्रैक्स हियर टू योर मैरिड लाइफ। हाउ डिड यू मीट कुकू कॉल? कुकू जी वेरी फनी, आई मेट हिम, फिल्म बन रही थी कोहराम, और उसमें माँ का कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर था। मुझे बुलाया, और ऑफिस में प्रोड्यूसर इकबाल खान जी, उन्होंने बुलाया और सुनाया रोल, कुकू जी भी थे, उन्होंने सुनाया, इट वॉज अ वेरी गुड रोल। मैं सोच रही थी मुझे क्यों ले रहे हैं, मेरा तो कॉमेडी इमेज है, ये लोग मुझे क्यों ले रहे हैं इस रोल में, पता नहीं। तब मैं बहुत फिल्में कर रही थी, बट ऑल इधर उधर इधर उधर, कोई रोल ऐसा अच्छा नहीं था, बट काम कर रही थी, अपनी फैमिली अपना घर चलाना बहुत ज़रूरी था, तो आई वो तो जस्ट वर्किंग, दैट्स ऑल। तो इतने में ये फिल्म आई। अब ये फिल्म आने के बाद जो डेट्स कमिट हो चुके, मैं मद्रास में बहुत फिल्में करती थी, कॉमेडी रोल विद कादर भाई या नसरानी, तो वहाँ बिजी रहती थी। अब इन्होंने डेट दे दी ऐसी, समझ में नहीं आई, 1 महीने की डेट, अरे हाँ ये तो मुझे पूरे महीने की डेट्स चाहिए। कुकू जी ने कहा, नो आई कैन नॉट, आई डोंट नो व्हेन धर्म जी विल गिव मी अ डेट, तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। मैंने कहा पर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, आई कैन नॉट लीव ऑल द फिल्म्स, नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड रोल, लाइफ टाइम रोल, सब कुछ है, बट यू कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम योर कमिटमेंट। नहीं मैं तो नहीं कर सकूँ, यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज। मैंने कहा
ओके अदरवाइज ओके 2 दिन 4 दिन सोचा, बहुत ट्राई किया इधर उधर से, कुछ हो नहीं पाया. तो आई अगेन वेंट टू द ऑफिस वेयर इकबाल भाई वॉज देयर, एंड मैंने कहा इकबाल भाई सॉरी मैं पिक्चर कर नहीं पाऊंगी. अरे क्या पागल हो गई और ना बहन, कैसी बात करती हो तुम, मतलब लोग मिन्नत मन्नत करते हैं ऐसे रोल के लिए और तुम. मैंने कहा पर मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती ना एक पिक्चर के लिए, और इसमें इंडस्ट्री कहाँ छोड़ना हुआ. मैंने कहा और नहीं तो क्या, आपके डायरेक्टर बोल रहे हैं कि भैया उनको तो डेट्स ऐसी क्लियर चाहिए, कौन से दिन वो शूट करेंगे उनको भी नहीं मालूम है, बिकॉज धर्म जी जो डेट देंगे ना, धर्म जी का ये था कि अगर किसी की कैंसिल हो गई वो तू कल कर ले, ऐसा था. तो वो भी बेचारे क्या करते, उनकी भी पहली फिल्म थी. तो बहुत ऐसा सब चला, बट आई सेड नो आई विल नॉट बी एबल टू डू. के क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ, कुकू जी भड़क गए. मैंने कहा देखिए कुकू जी आप समझिए, आई हैव कमिटेड 3 3 महीने की 4 4 महीने की कमिटमेंट तो मद्रास वाले लेते थे, और मैं कहाँ से कर सकती हूँ, आई कांट. सॉरी मालूम है मेरे लिए बहुत अच्छा रो, आई केम बैक. करो क्या आप इंडस्ट्री छोड़ सकते हो, आप मेरी जगह होते क्या करते बताओ. सो बराबर कांट इट, यहाँ आई वॉज एस्टेब्लिश करियर जस्ट था. हेल्पलेस. मैं खुद चाहती थी करना, बट देन थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा कि मतलब इतने इनसिग्निफिकेंट रोल कर रही है, जब मैं रोल दे रहा हूं तो डेट्स नहीं दे रही है. ही वॉज ऐसे नॉट, बोला उन्होंने आपको? नहीं बोला नहीं, बट ही वॉज वेरी, ही डिडंट लाइक द आइडिया, पर मेरी अपनी मजबूरी थी. तो दैट्स हाउ फिर भी हम काम करते रहे. कभी भी वो क्या करते थे, मेरा काम नहीं भी हो तो मैंने डेट दी है ना बुला लेते थे. तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उन पे कि जब मेरा काम नहीं है फिर मुझे क्यों क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, पता नहीं. नहीं ना मेरे को कब, और वो क्या करते थे कभी पूरा दिन बिठा के एक शॉट, वो एक डॉन का शॉट है कि वो माँ इधर से उधर जा रही है, या ये क्लोजिंग है, या उनका एंगल लगा हुआ है तो वहां पे कुछ शॉट ले लिया. तो हमारा 36 का आंकड़ा था. आई यूज टू हेट कुकू जी, और वो मुझसे कुछ खुश नहीं नहीं, थे. आई थिंक ही लाइक यू सो मच, ही वॉन्टेड यू टू बी ऑन द सेट. नहीं ना मैं सेट पे कहाँ रहती थी, मैं तो अपने रूम में मेकअप रूम में बैठे रहती हूँ. बट आसपास तो थे ना, मतलब. नहीं ना आसपास भी मेकअप रूम, फिल्म सिटी में ऊपर रहते थे, यहाँ ये लोग नीचे शूटिंग करते थे. सारा दिन पैकअप का मैसेज आया तो भी मैं नहीं मिलती थी, और वो भी नहीं बुलाते थे मेरे को. पैकअप का मैसेज आता था एंड आई यूज टू लीव, ऐसा होता था. फिर प्यार कैसे हुआ? फिर पता नहीं कैसे कुछ समझ में नहीं आया, चक्कर का एक गाना था ये लोग का ही, तो मैं बैठी हुई हूँ और सोनम और चंकी वो लोग का गाना था. हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, पता नहीं बार बार मैं और सुरेश जी बात कर रहे थे, सुरेश भट्ट डांस डायरेक्टर, बातें कर रहे थे. तो हम लोग देख के ना कुकू जी को हंसे दोनों. उधर क्या हुआ, मेरी बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं कुकू जी आपकी बात कैसे कर सकते, ये देखो ना ये बहुत शैतान है सुरेश जी, मेरे को तंग करते रहते हैं. अरे क्यों मेरे आर्टिस्ट को आप तंग कर रहे हो? वहां से वो पता नहीं क्या हुआ, ही स्टार्टेड सॉफ्टनिंग. वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई, फिर ही स्टार्टेड एडजस्टिंग माई डेट्स. मैं बोलती थी मैं फंसी हुई हूँ, वहाँ पे ये है यहाँ पे ये है, जरा कर दो ना कुकु जी. फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कब हो गया, हो गया. और ये बात भी आपने किसी को बताई नहीं कि हमने शादी कर ली है? नहीं बिकॉज ही वॉज अ मैरिड मैन. दैट यू रियलाइज आफ्टर? नो नो, पता नहीं ये कहाँ से स्टूपिड न्यूज निकली कि मुझे पता ही नहीं था. सेट पे उनकी वाइफ आती थी, सेट पे उनकी वाइफ बच्चों को लेके आती थी कभी कभी शूटिंग देखते हैं, तो कैसे नहीं पहचानू. है मालूम था, बट वो आप अवॉइड भी कभी कभी किसी चीज को करना चाहते वो होता नहीं है. एंड यू स्टार्ट गेटिंग नियरर नियरर नियरर, और एक दिन ऐसा हो गया. ये बहुत टफ डिसीजन होगा लेना. बहुत टफ डिसीजन फॉर मी एंड फॉर हिम ऑल्सो. सी आई एम आंसरेबल टू नोबडी. इफ आई गो बैक होम आई डोंट हैव हस्बैंड हु विल आस्क मी कि ए तूने शादी कर ली उससे, बट ही गोज बैक होम ही हैज अ वाइफ टू आंसर, है ना.
वो बहुत डिफिकल्ट था, उनका डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था, बट समहाउ दे गॉट बट हाउ डिड ही मैनेज? पता नहीं, सब हो जाता है, सब हो जाता एक है, बार इंसान कर लेता है। कितनी मैरिजेज हमारे यहाँ हुई है, हमारे इंडस्ट्री में सभी मैनेज हुई है, आप देखो। बट यू टुक अ वेरी वेरी ब्रेव डिसीजन दैट ओके वी विल नॉट हैव किड्स। या आई नो, बट आई नो एक हिसाब से इट वॉज नॉट अ राइट डिसीजन, बट कभी कोई चीज आप कर लेते हो, उस कमिटमेंट से आप पीछे हटना नहीं चाहते हो। होता है ना, आज वो दुनिया भर से लड़के उन्होंने मुझसे शादी की थी, कुछ भी हो घर में ये तो नहीं हुआ ना, अरे बहुत अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने अरुणा रानी से शादी कर ली, ये तो नहीं हुआ होगा ना, बहुत सर पे बॉटल टूटी होगी, सर टूटा होगा, झगड़े हुए होंगे, बच्चे भी हैं घर में, वो भी होता हुआ होगा। व्हेन ही हैड टेकन दैट स्टेप आई कुडन्ट गो बैक, कंटिन्यू किया, वक्त ने अपना फैसला किया, होता गया, चलते गया। You know, I read one statement of yours where you said, "Where love ends, marriage begins." ऐसा तो कोई नहीं दिया है मैंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay, so that must be a misquote. If love ends, there is no meaning of getting married. हाँ, शादी के बाद थोड़ा प्यार कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको बिल्कुल वो जो होते ही ना दीवानापन पहले, वो नहीं होता बाद में, शादी के बाद नहीं होता, किसी के भी नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं। Let's talk about some leading men you worked with. Let's talk about Rajesh Khanna. Rajesh Khanna was a good actor. Very, मेरे साथ वो बहुत अच्छे थे. लोग उनसे बहुत डरते थे. डरते थे का मतलब, ओह राजेश खन्ना ऐसा होता था. मेरे साथ में नहीं, वो मुझे बहन बुलाते थे. ए बहन क्या कर रहे हो? ए बहन चलो खाना खाने, टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया. मेरे साथ उनका बहुत अच्छा था. मोस्टली ऑल द हीरोज, चिंटू जी के साथ भी अच्छा था, राजेश जी के साथ भी अच्छा था, ऑल अमिताभ बच्चन, जीतू जी, अमित जी हमेशा पहले से अलूफ रहते थे. वो अपने ही रूम में, अपने ही वैनिटी में रहते थे, कभी मैंने उनको किसी के साथ फ्रेंडली नहीं देखा. शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा वॉज हेलो ये मतलब बस और कुछ नहीं, कोई बहुत उनसे बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी कभी. हाँ कोई बातें करते थे आपस में तो उतना होता था बस. हीरोइंस के साथ रिलेशन कैसा था आपका? हीरोइंस के साथ मेरा अच्छा था, दे ऑल यूज टू बी नाइस टू मी. अब क्यों मुझे नहीं मालूम. सबसे अच्छा मेरा स्मिता पाटिल के साथ था. स्मिता वॉज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड पर्सन. उनका भी वही हाल था, मैरिड मैन इन लाइफ. शी शेयर्ड इट विद यू? सॉरी, शी शेयर्ड इट विद यू समटाइम्स? वो तो हो ही जाता है, सबको सबका पता चलता है. आई डोंट वांट टू नेम, बट जितने भी थे सभी का वही चल रहा था. हम सब बैठ के यही बात करते थे, बट वी नेवर मेंशनड आउटसाइड व्हाट वी टॉक. अदर हीरोइंस, मुमताज का कैसे था? मुमू से तो मेरा बहुत अच्छा था. मुमू तो मेरे को बहुत अपने पुराने कपड़े भी देती थी पहनने के लिए, घर से ले आती थी, मेकअप रूम में रख देती थी, ये तू ले जा हाँ, तो मैं थोड़ा ऑल्टर करके पहन लेती थी. शी वॉज वेरी गुड. अमिताभ वॉज अलूफ, बट व्हाट वॉज योर इक्वेशन विद जया जी? जया जी से मैंने काम नहीं किया, बहुत कम काम किया मैंने. ये ऋषिला की उसके बाद तो उन्होंने शादी कर ली थी, वो तो थे नहीं. ओके, वहीदा जी के साथ? वहीदा जी के साथ बहुत अच्छा था, शुरू शुरू की फिल्में की ना, बहुत अच्छा था. तो आपने बहुत फ्रेंड्स बनाए हैं इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स. और अभी भी टच में हो? नोबडी. हमारे इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है कि हम सेट पे गले मिल के रहते हैं, लंच में खाना साथ में खाते हैं, पैकअप के बाद ना आप मुझे देखते हो ना मैं आपको. एक ट्रेंड है, बहुत दोस्ती, बहुत. आप वो छोड़िए, हम डेली सोप करते हैं तो महीने के तो 30-30 दिन मिलते हैं, शूटिंग में हम 3-4 दिन मिलते हैं, वो भी पता नहीं कब खत्म हो जाता है. आपको टीवी शोज बनाने का ख्याल कैसे आया? पता नहीं कि एक्चुअली आई वांटेड टू डायरेक्ट फिल्म्स, बट डायरेक्ट करने के लिए देखिए यू हैव टू हैव सेंस.
लाइक हाउ टू प्लेस कैमरा, हाउ टू कॉन्वर्स एज अ डायरेक्टर, कौन सा सीन बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, क्या होना चाहिए, इस सीन के डायलॉग्स क्या, उस सीन, वो सारी मालूमात चाहिए आपको। तो मैंने बोला इतने बड़े स्क्रीन पे जाऊंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट। जब मैंने सोचा कि जब डायरेक्टर बनना है और ये सब चीज़ें सीखनी है, तो सीखनी कोई घर बैठ के नहीं होती, एग्जीक्यूट करके होती है। जैसे आज आप हैं, आप सोचते हो कि मैं इंटरव्यूज़ लूँगा, फलाने को ये सवाल करूँगा, बट अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट डूइंग इट, आपका जो डर है, आपकी जो शाई है, वो निकलेगी नहीं। फॉर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट। सेम वे एज ए डायरेक्टर अगर मुझे काम करना है, तो देन आई स्टार्टेड कि मैं टीवी सीरियल शुरू करती हूँ, उसमें जो मैंने, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट वर्क है, उसका जो ये था, वो इतना अच्छा अप्रिशिएट हुआ था कि उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि मैं, थैंक गॉड आई एम सक्सेसफुल, आई गॉट अवार्ड्स फॉर देम, राइटिंग के लिए अवार्ड, डायरेक्टर के लिए अवार्ड, एज एन एक्ट्रेस अवार्ड, एज ए प्रोड्यूसर अवार्ड, सो ऑल दीज अवार्ड आई यूज टू गेट। देश में निकला होगा चांद के लिए, दैट वाज अ टॉप रेटेड शो, टॉप रेटेड शो वो है, मेहंदी भी टॉप रेटेड था। तो दिस इज हाउ इट, नागिन वॉज द मोस्ट टॉप रेटेड, और लोग हंसते थे कि नागिन इस जमाने में, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, बट अश्विनी जो वहाँ पे ये थी, मेन थी, शोज लेती थी, अश्विनी यार्डी, यार्डी, उन्होंने इस शो को ओके किया। तो मेरी खुद भाभी बोलती थी, और ना बहन आपको लगता है कि नागिन जैसा सब्जेक्ट इस पे चलेगा? मैंने कहा डेफिनेटली चलेगा। तो अच्छा, अब आई अश्विनी ने जी छोड़ दिया। अब वो शो जो ओके हुआ था वो लटक गया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही होता है, मैंने जो ओके किया जिसने अप्रूव किया वो पीछे वाले को नहीं करना है। तो लटका, फिर भी एयर पे आया, और सबसे ज्यादा टीआरपी देश में निकला चांद और नागिन को मिली। अब ये आइडिया आया कैसे मुझे नागिन शो का, इस जमाने में कैसे आया, कि देयर वॉज टीवी पे बता रहे थे कि एक फैमिली थी जिसने एक सांप को मार डाला था, रोज आके वो नागिन बैठी रहती थी, और उसकी टीआरपी इतनी थी जो ये बता रहा था। तो मैंने सोचा आज भी मैं खड़े रह के देख रही हूँ, आई एम सच अ मॉड पर्सन, तो मैं देख रही हूँ, इसका मतलब है लोग देखेंगे। क्या हुआ, कैसे बचा, कैसे वो बचा, और कैसे नागिन ने उसे नहीं काटा, और क्यों नहीं काटा। उस तरह फिर स्टोरी बन दे गई। आप विश्वास करते हैं इन बातों में, सुपरस्टिशंस ले लो या कोई भी बात? ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ डेली पूजा होती है, डेली ये होता है। नहीं, भगवान में तो मानते हैं, बट मैं कहता हूँ ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, नहीं नहीं वो सब नहीं कि बिल्ली आ गई, बिल्ला आ गया, कुछ नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं। बट डेफिनेटली ये है कि मैं भगवान को मानती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, ये नहीं होगा मुझे। और फिर आपने एक पॉइंट पे टीवी शोज कम बहुत थक गई थी, बंद कर दी, थक गई थी का, फिर देन आई एक्टेड, या मैंने एक्ट किया, प्रोड्यूस, डायरेक्ट, एक्ट, वो सिर्फ, वो भी अपने शोज नहीं, बाहर के शोज, बाहर के प्रोड्यूसर के शोज किए मैंने, एंड आई डिडंट प्रोड्यूस। अभी कोई वापस नहीं, अब बहुत बहुत काम है, और टीवी शोज में खास करके, खास करके टीवी शोज में इतना काम होता है, इतना प्रेशर होता है कि आदमी इमेजिन नहीं कर सकता। सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? दीज डेज आई एम डूइंग नथिंग, आराम से उठती हूँ। कोई एक फिल्म जैसे अभी आ गई, केसरी वीर एक फिल्म बन रही है, सोमनाथ मंदिर के ऊपर, दैट आई एम डूइंग नाउ, एंड जैसे एक दो फिल्में हैं आ रही हैं, कुछ एक दो गुजराती फिल्में, एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन, सो आई डोंट वांट टू से अबाउट इट। एनी वेब शोज आप प्रोड्यूस करोगे कभी? प्रोड्यूस करने का कुछ भी नहीं जाता,
एक्ट करना चाहती हूँ पर प्रोड्यूस नहीं, डायरेक्ट नहीं, आप देखते हो वेब शोज? बहुत कम बहुत कम। बहुत कम। अपनी मूवीज देखते हो? मूवीज नहीं, कोई पहले की मैं देखूं वापस? वो क्या देख के करना है। आह कितने अच्छे लगते थे या ही कितने बुरे लगते थे, ये सब देखते कौन, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे कौन से डायरेक्टर थे आपके लाइफ में जो सबसे स्ट्रिक्ट थे? मतलब स्ट्रिक्ट तो हमारे कोई भी डायरेक्टर्स नहीं थे, बट जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे उनमें से मैंने राज कपूर जी के साथ काम किया, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बिकॉज ही यूज टू हेल्प एन आर्टिस्ट जो वो चाहते थे एज ए डायरेक्टर, ही वॉज वेरी क्लियर एंड वो करके भी दिखा देते थे। तो आपको पता है कि अब ये कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमारे डायरेक्टर को चाहिए क्या, तो हमें ग्रास्प करना बहुत इजी हो जाता था। उनके साथ काम करना वॉज माई प्राइड टू वर्क विथ। और दूसरे एक हमारे डायरेक्टर थे जिन्होंने काफ़ी सरगम बनाई थी, विश्वनाथ जी, के विश्वनाथ। के विश्वनाथ बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। मैं और रेखा तो डरते ही रहते थे, ओ बहन आज विश्वनाथ जी के साथ शूटिंग है। बहुत अच्छा थे। एक सीन बताइए जिसमें आपको मैक्सिमम रीटेक्स लगे, मतलब बार 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 लेकिन डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। विश्वनाथ जी के साथ, विश्वनाथ जी के साथ काफी रीटेक लगे, बिकॉज उन मैंने कहा ना कौन उनका से सीन स्कूल थे ऑफ वो जहां एक्टिंग, मैक्सिमम लगे? औरत फिल्म में, औरत फिल्म में मैक्सिमम रीटेक लगे थे। तो अरुणा जी, आज आपके पास सब कुछ है, हाँ प्रभु की दया है, ऐसा ऐसा क्या है जो बाकी आपको कुछ भी नहीं, चाहिए? कुछ भी नहीं। इफ यू आस्क मी कि तुम्हें क्या चाहिए, अभी प्रभु भी नीचे आए तो भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये दे दो प्रभु, ऐसा नहीं। आई थैंक गॉड कहाँ से हम निकले थे, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ हमने इतनी गरीबी देखी जिंदगी में कि माँ हमारी खाली चावल उबाल के कांदा फोड़ के दे देती थी खाने के लिए, वो थी। आज इतनी, अब आप बताओ कि इससे ऊपर आदमी क्या मांग सकता है। थैंक यू अरुणा जी, थैंक थैंक यू यू सो मच जी, फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन। इट वॉज थैंक यू जी, रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक वंस यू, अगेन। ऑल द बेस्ट।